नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी खत्म हो गई है और इस मुठभेड़ में नक्सलियों के 12 शव भी बरामद किए गए हैं। बता दें, नक्सलियों की इस घटना पर सीएम साय का बयान सामने आया है। सीएम साय ने कहा है कि मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके साहस को नमन करता हूँ। हम नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल को पीएम श्री बनाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पीएम श्री योजना लागू हुई है। जो भी स्कूल पीएम श्री के तहत आएगा उसके समुचित विकास के लिए पर्याप्त फंड मिलेगा। और आज बीजापुर में गंगालूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी वैसे मुठभेड़ समाप्त हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 12 डेड बॉडी मिले हैं, नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनके साहस को मैं नमन करता हूं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री योजना लागू की है नई शिक्षा नीति के तहत, और उस स्कूल का जो भी पीएम श्री के अंतर्गत आएगा उसका समुचित विकास के लिए मतलब काफ़ी पर्याप्त फंड मिलेगा और निश्चित रूप से शिक्षा का गुणवत्ता और जो भी संसाधन है सब में मतलब बढ़ोतरी होगी। देखिए, कल मेरी बात हुई है, कल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और मैंने बात की जो टॉपर थे उनसे, और इस बार भी हमारी बेटियां बाजी मारी हैं। वो लोग दोनों बोर्ड के एग्जाम में टॉपर हैं और जिसमें जसपुर से 12 और 10 मिला के 3 वहां के छात्र हैं और बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट है 10वीं और 12वीं बोर्ड का।